हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीके स्टडी विद बबुआ जी में। और यदि आज आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब का बटन आया होगा आपकी स्क्रीन पर, उस पर जल्दी से क्लिक कर दीजिए और उसके बाद चैनल हो जाएगा सब्सक्राइब। और सब्सक्राइब होने के बाद एक बेल आइकन आपके सामने खुल जाएगा, इस पर भी आपको एक बार क्लिक करना है। ऐसा करने से यह होगा जब भी हम कोई वीडियो डालेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आ जाएगी। ये हमारी मंथली मैगजीन, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो आज हम बात करेंगे परमार वंश के अगले राजा उपेंद्र शाह के बारे में। तो उपेंद्र शाह के बारे में बात करेंगे। इससे पहले मैंने आपको एक राजा के बारे में बताया था, फतेहपति शाह के बारे में। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है वो वीडियो देख लें। और ये उपेंद्र शाह उन्हीं फतेहपति शाह के ज्येष्ठ पुत्र हैं, अर्थात बड़े बेटे थे। तो देख लेते हैं, फतेहपति शाह के दो बेटे थे, एक उपेंद्र शाह एक दिलीप शाह। उपेंद्र शाह गद्दी पर बैठते हैं फतेहपति शाह के मरने के बाद, और मात्र 9 माह गद्दी पर बैठते हैं और दीपावली के दिन इनकी मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है, परमार वंश का ऐसा कौन सा राजा था जिसकी मृत्यु दीपावली के दिन हुई। अब एग्जाम में आएगा नहीं आएगा इसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता है, लेकिन हाँ यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि दीपावली के दिन परमार वंश के किस शासक की मृत्यु हुई थी। तो उपेंद्र शाह काफ़ी कम समय तक गद्दी पर बैठे रहे। जैसे ही इनकी मृत्यु होती है, इनके छोटे भाई अर्थात दिलीप शाह को शासक बनाया जाता है, और ये भी जल्दी मृत्यु को प्राप्त हो गए, जिस कारण शासक बनाया गया प्रदीप शाह को। और ये प्रदीप शाह कौन थे? दिलीप शाह के पुत्र थे। तो आपको ध्यान रखना है केवल एक फतेहपति शाह के बाद कौन शासक बने, प्रश्न ऐसा बन सकता है। तो उपेंद्र शाह जो कि उनके बड़े पुत्र थे, ये भी जल्दी मर गए, तो कौन शासक बने? दिलीप शाह। ये भी मर गए तो फिर इनके पुत्र को शासक बनाया गया जो कि प्रदीप शाह थे। अब देख रहे थे प्रदीप शाह के बारे में, इनका टाइम पीरियड देख लेते हैं। सबसे पहले तो 1717 से 1773, ये टाइम पीरियड काफ़ी इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि इस अवधि में भारतीय इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध लड़े गए। देखो कौन कौन से युद्ध हैं, प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में, बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में, और पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में। तो प्रश्न बन सकता है प्लासी के युद्ध के समय गढ़वाल का शासक कौन था या परमार वंश का कौन शासक था? तो उत्तर हो जाएगा प्रदीप शाह। प्रश्न ऐसा भी बन सकता है कि बक्सर के युद्ध के समय परमार वंश का राजा कौन था, या पानीपत के तीसरे युद्ध के समय परमार वंश का राजा कौन था? तो प्रदीप शाह। टाइम पीरियड जरूर ध्यान रखें, 1717 से 1773, और कम उम्र में गद्दी पर बैठ गए थे इसलिए इनकी संरक्षिका थी जिया कनक देई। ध्यान रखेंगे, जिया कनक देई इनकी संरक्षिका थी। इसके अतिरिक्त इनके दरबार में एक मंत्री हुआ करते थे जो इनके क्या थे, प्रधानमंत्री बनाया था इन्होंने इनको। इनका नाम था चंद्रमणि डंगवाल। ध्यान रखेंगे प्रदीप शाह के प्रधानमंत्री कौन थे? चंद्रमणि डंगवाल। तो इस पेज से इतना ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, अब अगले पेज पे चलते हैं। ठीक है, प्रदीप शाह का टाइम पीरियड बार बार बोल रहा हूँ, 1717 से 1773, ध्यान रखेंगे आप 1717 से 1773। अब देख लेते हैं इस समय कुमाऊं में कौन कौन शासक है। तो इस समय कुमाऊं में जो इनके समकालीन शासक थे वो थे देवी चंद, अजीत चंद और कल्याण चंद। लेकिन हमें जिस पर ज़्यादा फोकस रखना है वो है देवी चंद और एक कल्याण चंद। ठीक है, देवी चंद और कल्याण चंद पे, अजीत चंद इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन देवी चंद और कल्याण चंद इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि देवी चंद ने आक्रमण किया था प्रदीप शाह पर, और ये जीत भी गया था लेकिन दोबारा ये हार भी गया। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि कुमाऊं के किस राजा ने प्रदीप शाह पर आक्रमण किया था? तो ध्यान रखेंगे देवी चंद। ठीक है, देवी चंद ने आक्रमण किया था। इसके बाद अजीत चंद इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कल्याण चंद यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है। देख लेते हैं कैसे। प्रदीप शाह ने दो दूत भेजे थे, बंधु मिश्र और लक्ष्मीधर ओझा। कहाँ? कल्याण चंद्र के दरबार में, और कल्याण चंद ने इनका स्वागत किया था अच्छे से, और प्रदीप शाह ने खूब इनके साथ इनके पास क्या भेजे थे? उपहार भेजे थे। उपहार भेजे थे किसके लिए? राजा कल्याण चंद के पास। राजा कल्याण चंद भी खुश हुए और उन्होंने भी क्या भेजे, फिर इनके लिए भी उपहार भेजे। तो दोनों ने एक दूसरे के लिए उपहार भेजे, गिफ्ट गिफ्ट भेजे। तो ध्यान रखेंगे प्रदीप शाह ने किन दो दूतों को कल्याण चंद के दरबार में भेजा था? एक तो होगा बंधु मिश्र और एक लक्ष्मीधर ओझा। प्रश्न ऐसा भी बन सकता है कि प्रदीप शाह ने जब दो दूत कुमाऊं में भेजे थे तो उस समय वहां का राजा कौन था? तो कौन था? कल्याण चंद। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है इस पेज से भी, ज़्यादा कुछ खास नहीं है प्रदीप शाह के बारे में, बस दो चार फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं जो मैंने अभी बताया आपको। यहाँ पर एक तो प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, पानीपत का युद्ध, एक जिया कनकदई हो गया, और एक चंद्रमणि डंगवाल, और यहाँ पर इसने दो दूत भेजे थे। ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है देवी चंद वाला, लेकिन ये इंपॉर्टेंट हो सकता है कि यहाँ पर कल्याण चंद के दरबार में दो दूत भेजे थे, बंधु मिश्र और लक्ष्मीधर ओझा। अब चलते हैं अगले पेज पर, रोहिलों का आक्रमण। 1743-44 में रोहिलों का आक्रमण होता है। कहाँ? राजा कल्याण चंद के समय।
ठीक है, और जो कि क्या थे, चंद्रवंश के राजा थे। रोहिलों ने आक्रमण किया राजा कल्याणचंद पर, और ये भाग भाग के किसके पास गए, प्रदीप शाह के पास गए, और बोला भाई मैंने तो तुम्हारे दरबार में, मैंने तुमको क्या दिए थे, उपहार दिए थे, तो मेरी अब तुमको क्या करनी होगी, रक्षा करनी होगी। तो कल्याणचंद ने कहा तो उपहार तो मैंने भी भेजे थे, मैंने तो दो दूत भी भेजे थे, लेकिन इन्होंने कहा कि चलिए दोस्ती के नाते तो आपको हमारी मदद करनी ही होगी। फिर यहाँ पर प्रदीप साहब भी अपनी सेना लेकर इकट्ठा होते हैं, और कल्याणचंद, दोनों की सेना इकट्ठा होती है, और दूसरी तरफ किसकी सेना है, रोहिलों की सेना है। तो यहाँ पर देखिए, गढ़वाल के राजा प्रदीप शाह और चंद्रवंश के राजा कल्याणचंद, ये एक साथ हैं, और दूसरी तरफ कौन है, रोहिलों की सेना है। लेकिन यहाँ पर रोहिलों की सेना जीत जाती है, और ये 3 लाख रुपए मांगते हैं किससे, राजा कल्याणचंद से। अब राजा कल्याणचंद के पास 3 लाख रुपए रहते नहीं हैं, वो बोलते हैं प्रदीप शाह से कि ऐसा करो आप मुझे 3 लाख रुपए उधार दे दो। आज की बात होती तो कोई भी शायद, मुझे लगता नहीं कि 3 लाख रुपए कोई उधार देता, लेकिन यहाँ पर गढ़वाल के शासक ने 3 लाख रुपए देकर कल्याणचंद की मदद की थी। ठीक है, प्रश्न बन सकता है गढ़वाल के किस राजा ने 3 लाख रुपए देकर कल्याणचंद की मदद की थी रोहिलों के समय। ठीक है, तो रोहिलों के जो सेना थी जो जीत गई थी, तो 3 लाख रुपए दिए थे प्रदीप शाह ने कल्याण चंद को। और यहाँ से जो सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट है वो बनता है, मैंने नोट में डाला है, गढ़वाल कुमाऊं के इतिहास में पहली बार कुमाऊं व गढ़वाल की सेना ने मिलकर युद्ध किया लेकिन फिर भी हार। ठीक है, गढ़वाल कुमाऊं के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब गढ़वाल के राजा और चंद्रवंश के राजा दोनों ने एक साथ युद्ध किया, एक दूसरे के लिए युद्ध नहीं किया, एक दूसरे पे आक्रमण नहीं किया, साथ में युद्ध किया। ठीक है, ध्यान रखेंगे, साथ में युद्ध किया अर्थात एक साथ लड़कर युद्ध किया, किसके खिलाफ, रोहिलों के खिलाफ, लेकिन फिर भी यहाँ पर हार जाते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट होने वाला है। इसके बाद रोहिलों का पुनः आक्रमण देख लेते हैं। 1757 में नजीब खां के नेतृत्व में इस बार गढ़वाल पर आक्रमण हुआ। इससे पहले तो कल्याणचंद पर आक्रमण हुआ था, लेकिन इसके बाद किस पर आक्रमण हुआ है, गढ़वाल पर। और इस युद्ध में देहरादून पर रोहिलों ने विजय प्राप्त कर ली, लेकिन 1770 में नजीब खां की मौत के बाद देहरादून पुनः प्रदीप शाह के कब्जे में आ जाता है। तो प्रश्न बन सकता है रोहिलों ने प्रदीप शाह के समय कब आक्रमण किया था गढ़वाल पर, तो 1757 में, ध्यान रखेंगे 1757 में आक्रमण किया था। इसके बाद प्रदीप शाह ने दून की राजधानी नवादा से हटाकर धामूवाला में स्थानांतरित कर दी। तो यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है, प्रदीप शाह ने दून की राजधानी नवादा से हटाकर कहाँ बनाई, तो धामूवाला में बनाई। प्रश्न ऐसा भी बन सकता है, नवादा से राजधानी धामूवाला में किस परमार वंशीय शासक ने बदली थी, तो प्रदीप शाह का उत्तर हो जाएगा। तो सभी प्रश्नों को आप यहाँ पर फैक्ट जो बता रहा हूँ नोट जरूर कर लें। और दो चार फैक्ट हैं प्रदीप शाह के बारे में, इनके राजकवि या धर्माध्यक्ष कौन थे, मेधाकर शर्मा। इनकी ये रचना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, रामायण प्रदीप की रचना किसने करी थी, मेधाकर शर्मा ने, जो कि क्या थे, राजकवि थे प्रदीप शाह के। इसके अतिरिक्त प्रदीप शाह के दरबारी चित्रकार कौन थे, मोलाराम, और मोलाराम को सबसे पहले संरक्षण दिया था प्रदीप शाह ने। तो ध्यान रखेंगे प्रदीप शाह ने मोलाराम को सबसे पहले संरक्षण दिया था, और इनके राजकवि ध्यान रखना है आपको, मेधाकर शर्मा, जिनकी रचना का नाम है रामायण प्रदीप। इसके अतिरिक्त एक लास्ट फैक्ट देख लेते हैं, राजा प्रदीप शाह के काल के 2 सिक्के लखनऊ के म्यूजियम में उपलब्ध हैं। ठीक है, राजा प्रदीप शाह के काल के 2 सिक्के लखनऊ के म्यूजियम में उपलब्ध हैं। प्रश्न बन सकता है राजा प्रदीप शाह के काल के 2 सिक्के कहाँ के म्यूजियम में उपलब्ध हैं, तो लखनऊ के म्यूजियम में उपलब्ध हैं। ठीक है, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, लेकिन एक बात कहना चाहूँगा सभी से, अब आपके एग्ज़ाम नज़दीक हैं, डेट भी आ गई है एग्ज़ाम की, ठीक है, 28 इस महीने मतलब नवंबर में, नवंबर में भी है, अक्टूबर के लास्ट में भी आपके एग्ज़ाम है, फॉरेस्ट गार्ड की फिजिकल की डेट भी आ गई है, उनके पास टाइम है कुछ नया पढ़ने का। ठीक है, फॉरेस्ट गार्ड का जैसे फिजिकल होता है उनके पास समय होगा, मुझे नहीं लगता कि मार्च से पहले फॉरेस्ट गार्ड का रिटर्न एग्ज़ाम होगा, मार्च के या अप्रैल के बाद ही होगा, फिर चुनाव भी हैं, तो ये मान के चलिए 4 से 5 महीने का समय आपको मिल जाएगा फॉरेस्ट गार्ड में, तो आप नया पढ़ सकते हैं। लेकिन जो खास तौर पर नवंबर अक्टूबर के जो एग्ज़ाम है वहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पर आप कुछ नया ना करें ट्राई। ठीक है, जितना भी आपने अभी तक पढ़ा है उसी का रिवीजन करें, नए प्रश्नों के पीछे ना भागें। ठीक है, तो जितना आपने अभी तक पढ़ा है उसका रिवाइज करें बस। ठीक है, उसका रिवाइज करें आप अच्छे से, वही आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। अब नया पढ़ोगे तो कन्फ्यूज में रहोगे, इसलिए मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि आप जो आपने अभी तक पढ़ा है केवल उसका रिवीजन करें। आप उसका रिवीजन करेंगे तो वो आपको ज़्यादा फायदा देगा, नए प्रश्नों के चक्कर में अब ना भागें कुछ समय तक। यदि आपके पास ज़्यादा समय है, ठीक है, अधिक समय है, तब तो मैं कहता हूँ कि हाँ आप पढ़ सकते हैं, लेकिन आपका अभी मुख्य फोकस जो होना चाहिए अब परीक्षा वाणी पर होना चाहिए, और प्रैक्टिस सेट जरूर करते रहे आप, परीक्षा वाणी जरूर पढ़ें आप अभी, क्योंकि एग्जाम नज़दीक है, मोस्टली क्वेश्चन इसी से बनते हैं, और थोड़ा आपको
प्रैक्टिस सेट भी जरूर देते रहें आप, पुराने नए या प्रीवियस पेपर होंगे उनको भी जरूर पढ़ के जाएं, उनसे भी आपको काफ़ी फायदा होगा। तो चलिए मिलते हैं आपको अगले राजा के साथ। तो कोशिश तो यही है कि इस महीने के अंत तक मैं ये परमार वंश ख़त्म कर दूंगा, लेकिन समय का अभाव है, बार बार कहता हूँ, जिसके कारण नहीं हो पाता है। तो चलिए मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। धन्यवाद।